कोरोना काल में आर्थिक मोर्चे पर हर बार मुंह की खाने के बाद सरकार को पेट्रोल डीजल ने कमाई के मामले में बड़ी राहत पहुंचाई है। ताज़ा आंकड़ों के मुताबिक अप्रैल नवंबर 2020 के दौरान पेट्रोल और डीजल पर एक्साइज ड्यूटी कलेक्शन में 48% की बढ़त दर्ज की गई है। कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट यानी CGA के मुताबिक 8 महीने के दौरान एक्साइज ड्यूटी कलेक्शन 1.96 लाख करोड़ रहा। अप्रैल नवंबर 2019 के दौरान एक्साइज ड्यूटी कलेक्शन 1.32 लाख करोड़ रहा था। देश में पेट्रोल डीजल की बिक्री में कमी के बावजूद कलेक्शन में ये इजाफा सरकार के एक्साइज ड्यूटी बढ़ाने के फैसले से हुआ। हालांकि इस दौरान देश में सबसे ज्यादा इस्तेमाल किए जाने वाले डीजल की बिक्री 1 करोड़ टन से ज्यादा घटी है। पेट्रोलियम प्लानिंग एंड एनालिसिस सेल के मुताबिक 2020 में अप्रैल नवंबर के दौरान डीजल की बिक्री 4.49 करोड़ टन रही, जो पिछले साल 5.54 करोड़ टन रही थी। इसी तरह पेट्रोल की खपत कम होकर 2020 में अप्रैल नवंबर के बीच 1.74 करोड़ टन रही, जो पिछले साल 2.04 करोड़ टन थी। लेकिन सरकार की कमाई बढ़ाने की यह तरकीब आम आदमी के लिए एक बड़ी मुश्किल बन गई है। भारी एक्साइज ड्यूटी और वैट से दिल्ली और मुंबई जैसे बड़े शहरों में डीजल और पेट्रोल की कीमतें रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गई हैं। फिलहाल दिल्ली में पेट्रोल 84.95 रुपए प्रति लीटर के उच्चतम स्तर पर है, जबकि डीजल 75.13 रुपए प्रति लीटर के दाम पर बिक रहा है। पिछले साल कच्चे तेल की कीमतों में भारी गिरावट के बाद सरकार ने पेट्रोल और डीजल पर एक्साइज ड्यूटी बढ़ा दी थी। दुनिया भर में लगे लॉकडाउन में कच्चे तेल की कीमतें 2 दशक के सबसे निचले स्तर पर आ गई थी। इस दौरान सरकार ने 2 बार में 1 लीटर पेट्रोल पर 13 रुपए और डीजल पर 16 रुपए एक्साइज ड्यूटी बढ़ा दी थी। इस तरह से फिलहाल सरकार 1 लीटर पेट्रोल पर 32.98 रुपए और डीजल पर 31.83 रुपए एक्साइज ड्यूटी वसूल रही है, जबकि 2014 में पेट्रोल पर 9.48 रुपए और डीजल पर 3.56 रुपए एक्साइज ड्यूटी लगती थी। हालांकि सरकार के पास टैक्स रेवेन्यू, इनकम टैक्स कलेक्शन और कॉरपोरेट टैक्स कलेक्शन में कमी के बाद रेवेन्यू बढ़ाने के लिए इस कदम को उठाने के सिवाय कोई और चारा नहीं बचा था। CGA के मुताबिक अप्रैल नवंबर 2020 के दौरान टैक्स रेवेन्यू 45.5% घटकर 6.88 लाख करोड़ रुपए रहा। 2020 बजट के मुताबिक 2020-21 में सरकार ने 16.35 लाख करोड़ रुपए का टैक्स कलेक्शन का लक्ष्य तय किया था। वहीं इस दौरान इनकम टैक्स कलेक्शन भी 12% की गिरावट के साथ 2.35 लाख करोड़ रुपए रहा। इसी तरह कॉरपोरेट टैक्स कलेक्शन भी 35% घटकर 1.85 लाख करोड़ रुपए रहा। ऐसे में सरकार चाहकर भी एक्साइज ड्यूटी को कम करने का फैसला नहीं कर पाई, जबकि उस दौरान कच्चा तेल बेहद कम कीमत पर मिल रहा था। सरकार ने आगे की सोचकर अपने तमाम राजनीतिक भंडार भी कम कीमत के तेल से भर लिए। हालांकि अब जिस तरह से कच्चे तेल के दाम बढ़ रहे हैं और इससे पेट्रोल के दाम उच्चतम स्तर पर पहुंच गए हैं, उसे देखते हुए एक्साइज ड्यूटी कटौती पर सरकार को विचार करना चाहिए। दिसंबर में GST कलेक्शन पहले ही 1.15 लाख करोड़ रुपए के उच्चतम स्तर पर पहुंच गया था। टैक्स रेवेन्यू के दूसरे विकल्प भी अब धीरे धीरे पटरी पर लौटेंगे, तो ये कोरोना में अर्थव्यवस्था को चमकाने के लिए और लोगों को महंगाई से निजात दिलाने के लिए सही मौका साबित हो सकता है।